वृंदावन से आज का जो रिपोर्टिंग है कि आज वृंदावन के अंदर में और काफी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आज दशमी है, कल एकादशी है, होली का पर्व है। जैसा कि लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन खुलने के बाद में और पब्लिक का एक बहुत जबरदस्त उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर एक देखो इस प्रकार का, ये मैं कई बार देखा है मैंने यहाँ पर, ये राधा रमन वृंदावन लंगर कमेटी लुधियाना की तरफ से यहाँ पर ये लंगर की सेवा हो रही है। मैं कई बार से इन्होंने, आज मैंने दोपहर में भी देखा था यहाँ पर आलू की टिक्की। और आप कहाँ से हैं सर? मैं यहाँ का नगर महामंत्री हूँ वृंदावन का, अखिल भारत वर्षी ब्राह्मण महासभा का। हमारे ये सब परिवार आते हैं, हमारे यजमान हैं, भक्त लोग हैं जगराऊ लुधियाने से। सुबह चाय पकौड़े चलते हैं, उसके बाद में दाल चावल रोटी चलती हैं, उसके बाद में पानी पूड़ियाँ चलती हैं, उसके बाद में भल्ला चलता है। अभी आप देखेंगे कढ़ी चल रही है, चावल चल रहे हैं, राजमा चल रहा है, पनीर चल रहा है। फिर उसके बाद में रात्रि में दूध और जो है जलेबी चलेंगी। ये सब हमारे आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कितना आनंद आ रहा है। ये अखंड भंडारा हमारा चल रहा है, 5 दिन चलेगा ये हमारा भंडारा। किस तारीख से आपने ये प्रारंभ किया? ये हमारा जो है 11 तारीख से चला है और 15-16 तक हमारा ये चलेगा। 15-16 और यानी पहली बार नहीं, कितने बार ये हर साल में कितने बार? हमारे हैं डॉक्टर साहब हैं, ये जगराव से आए हैं, ये हमारे कमेटी के मैन है जगराव कमेटी के। 8वीं बार है ये हमारा जो भंडारा, साल में एक बार ये भंडारा लगाते हैं होली पर्व के ऊपर में। 8 बार से लगातार ये लगाते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये पुलिस की व्यवस्था देखिए, चारों तरफ वृंदावन के अंदर में समस्त पुलिस विभाग यहाँ पर फोर्स लगी हुई है। जैसा कि मेरा SHO और TI महोदय से, SP महोदय से भी मेरी चर्चा हुई थी और उन्होंने यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था, जैसे शहर भी इस तरह की व्यवस्था मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस तरह की व्यवस्था मेरे जीवन में पहली बार देखने को मिल रही है कि सभी तरह के वाहनों को यहाँ पर रोक दिया गया है किसी भी तरह से। और कल एकादशी है, मेरी जैसे कि SHO महोदय से बात हुई कि कल किसी भी तरह की मोटरसाइकिल भी परिक्रमा मार्ग में नहीं घुसने दिया जाएगा। मैं वृंदावन से भगवत स्वरूप गौतम, प्रगति मीडिया से।